कांग्रेस पार्टी ने यूक्रेन में एक और भारतीय छात्र के कथित तौर पर गोली लगने से घायल होने की घटना को लेकर शुक्रवार को सरकार पर निशाना साधा है। केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि यूक्रेन में भारतीय छात्र खतरे में हैं, लेकिन केंद्र सरकार पीआर एजेंसी बनी हुई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया, एक और भारतीय छात्र को गोली लगी। यूक्रेन रूस युद्ध में बच्चों पर हर पल खतरा है, मगर मोदी सरकार सिर्फ पीआर एजेंसी बनी हुई है। उन्होंने सवाल किया, जो हजारों बच्चे यूक्रेन के अंदर भारी हमलों के बीच निकल नहीं पा रहे हैं, उन्हें कब निकालेंगे? क्या चार मंत्रियों को सिर्फ ताली बजाने के लिए भेजा गया है? सुरजेवाला ने राज्य मंत्री वीके सिंह के एक बयान को लेकर उन पर निशाना साधते हुए कहा, बमों मिसाइलों के हमलों में 9 दिनों से फंसे बच्चों को मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि अल्टीमेटम दिया था तो पहले क्यों नहीं निकले, थोड़ा लंबा रास्ता तय करके आ जाइए, जब आप सारे खतरों से बचकर आ जाएंगे तो हम आपकी अगवानी कर लेंगे। ये देश के मंत्री हैं या ट्रैवल एजेंट? गौरतलब है कि वीके सिंह ने शुक्रवार को बताया कि यूक्रेन की राजधानी कीव में एक भारतीय छात्र कथित तौर पर गोली लगने से घायल हो गया है। सिंह इस समय युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए उसके पड़ोसी देश पोलैंड में हैं। मंत्री ने पत्रकारों से कहा, आज हमें पता चला है कि कीव छोड़कर जा रहे एक छात्र को गोली लग गई है, उसे वापिस कीव ले जाया गया है, युद्ध में ऐसा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट।